वेरी गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एसएस. एंड वन मोर थिंग, इन ग्रामर सेक्शन आई सर्च्ड इन ग्रामर, यू हैव वॉइस हियर, फिगर ऑफ स्पीच, कंजंक्शंस लिटिल बिट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. फिगर ऑफ स्पीच मैंने बाद में पूरा देखा, बट वो थोड़ा सिर्फ टाइम खींच रहा है उसके अंदर और थोड़ा लोड ज्यादा दे रहा है. हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा खा जाएगा. ओके, मुझे लगेगा मैं वापस तुमको डिजिटल में स्टार्ट कर देंगे. हमारे घर के अंदर ही बैठा है, कोई टेंशन की बात नहीं. बट वॉइस का पोर्शन ज्यादा है उसके अंदर, डायरेक्ट डायरेक्ट जो पोर्शन हैं हम एक बार ट्रायल लेंगे. अगर सक्सेसफुल रहा तो ठीक, नकर बाद में हम नहीं लेंगे. ओके, सो नाउ प्राइस राइज. इंट्रोडक्शन से दीदी बोलेगी, हमको सुनना है, नहीं समझ पड़ेगा तब चर्चा करेंगे. समझ आ गया? Chapter 18. Price rise and consumer awareness. Introduction. Among many economic and social problems of India, one is price rise. Continuous and constant rise in price in different fields of economy at a high rate is called price rise, which is a problem. But price rise along with stability is beneficial for economy. Generally, increase in price results in increasing profit of organizers and producers. Because of undecided profit, they get opportunities to set up new production units. Profit amount increases when production cost is less than price rise, so the producer gets encouragement for new investment. ये हमने previous discuss किया था. प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर के बेनिफिट्स, और इसमें बोला है एनकरेजमेंट की बात की है. मतलब ज्यादा इनकम होगी तो ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा फायदा होगा तो पैसा दूसरे जगह इन्वेस्ट करते हैं. बिजनेसमैन की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है, वो जितना कमाते हैं जमा नहीं करते, वो दूसरे में डाल देते हैं पैसा. इससे उनका और अर्निंग होता है, अपने को थोड़ा ज्यादा मिल जाता है जाकर बैंक में चढ़ा देते हैं. बिकॉज उनका टर्नओवर हैवी होता है, अपना टर्नओवर थोड़ा कम होता है. ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आम आदमी एंड बिजनेसमैन. पता चल रहा है इसके अंदर? एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस. ये बता रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम प्रोड्यूसर्स ओगन चेंज ऑफ प्लेस. नाउ ये चलेगा इस तरह से, इसके पीछे बैठ जाओ, जाओ वहां जाकर, इधर जाके जाओ. तुम्हें टेबल आ रहा है, तुम भी इसके पीछे जाओ. हाँ, उसके पीछे जा सकते हो तुम, इट्स ऑल राइट. थोड़ा डिस्टेंस हो रहेगा तो कोई बात नहीं. डन. ऑर्गेनाइजर्स एंड बिजनेसमैन कैन इंक्रीज द वेजेस ऑफ देयर एम्प्लॉई. दस ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम परचेसिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस. सो money spent on usage of commodities increases, resulting into rise in the living standard and speed of economic development. So it can be said that stable price rise is a prerequisite for economic development. When there is a noticeable increase in price level of commodities or services invariably and continuously at high rates, then the production of instantaneous commodities and services do not increase, but supply of money increases speedily. देखो यहाँ पे लिखा है कि when there is an increase in demand, then the production of instantaneous commodities, मतलब चीजों की बात की गई है, and service do not increase. Commodities मतलब वो basic चीजें जो हमको चाहिए होती है, वो उसका production and service do not increase. Service जो हम दे रहे हैं वो बढ़ते नहीं है, but supply of money increases speedily. सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने लगती है. ओके, थोड़ा ध्यान से समझना ही चैप्टर को, उसमें जाते तो टाइम जाता. इटली दस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी इज यूज्ड ऑन कंपैरेटिवली लेस कमोडिटीज. दिस काइंड ऑफ प्राइस राइज कंडीशन इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. ये हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था इन्फ्लेशनली. ये वर्ड मैंने बताया था कि आपको बिगनिंग ऑफ प्राइस राइज के अंदर ये समझाना है. एक्सेसिव ऑफ मनी गए लेक्चर में कौन प्रेजेंट नहीं था, इस चैप्टर में सब थे. एक्सेसिव अमाउंट इज यूज्ड ऑन कंपैरेटिवली लेस कमोडिटी.
कम चीजों पे हमको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, दिस काइंड ऑफ प्राइस राइज कंडीशन इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी। यहां तक तो जब पढ़ा था वही चल रहा है। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, हाई डिस्टरबेंस इन प्राइसेस, एक्सपेंडिचर, इनकम एंड कैलकुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट एंड देयर एलोकेशन generates serious disparity in economy by creating chaos in money supply. In such condition, price rise acts as a hindrance in development of economy. Price rise is not always inflationary. इतना में उसे ऐसा बताया गया है कि exactly हमने पढ़ा था कि industries में जब production start होता है उससे पहले production start होता है प्रोडक्शन स्टार्ट होगा उससे पहले जितना इन्वेस्टमेंट लगता है उसका सारा स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स टाइम टू टाइम आ नहीं रहे और हमें सप्लाई चार गुनी बढ़ गई है। हमने एक एग्जांपल लिया था 40,000-30,000 वाला, तो वो कैलकुलेशन जस्ट एन एग्जाम्पल, जब कंपनी में 40,000-30,000 का नहीं होता, सीधा 40 करोड़-30 करोड़ में होता है, तो 40 करोड़-30 करोड़ में कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हमें कितना पैसा इंडस्ट्री जो उस जगह पे जॉब कर रहे हैं उनको देना है, उनके उनके कितने पैसे काटने हैं, रॉ मटेरियल जहां से कलेक्ट हो रहे वहां से कितने आएंगे, रॉ मटेरियल्स वालों को कितना पैसा देना है, एग्रीकल्चर में कितना पैसा डालना है, ये सारा कैलकुलेशन जो होता है वो सब डैमेज हो जाता है। लेकिन हमारा इंडस्ट्रीज का पहला इंटेंशन क्या होता है कि हमारा पैसा डूबना नहीं चाहिए। उन्होंने पढ़ा था ना, अपना नुकसान नहीं होना चाहिए, नुकसान किनका, पब्लिक का, किनका, पब्लिक का, ये इंटेंशन से। इसलिए जो 40 करोड़ का पूरा टर्नओवर है वो 30 करोड़ में होता है, लेकिन वो प्राइस 10 करोड़ बढ़ा देते हैं, ओके, और वो 10 करोड़ जाता है एग्जैक्टली किसके पास, कंपनी के ओनर के पास। क्यों? वो पब्लिक को ये बोलेगी कि बाहर मंदी है, हमारे पास इतना मटेरियल्स नहीं आया है, ओके, वो एम्प्लॉयमेंट को ये बात कहेगी कि हमारे पास इतनी चीजें आई नहीं है तो हम इसको बेचेंगे कैसे, तो एम्प्लॉयमेंट को रेस्ट्रिक्शन में रखेगी। और कंपनी जब तक काम करना स्टार्ट होती है, एक मोमेंट पे आने के बाद कंपनी डिसाइड करती है दैट्स इट, अब इतना जितना आया है, पता चल रहा है यहां तक, इतना जितना आया है, ओके, इसमें हमें 10 करोड़ ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमने सिर्फ 30 करोड़ का टर्नओवर किया है, जबकि हमको 40 करोड़ तक खींचना है इसको कैसे भी करके, तो 30 करोड़ से 40 करोड़ कैसे करेंगे। तो जो टीम मैनेजमेंट बैठी होती है उसको बताया जाता है, थर्टी करोड़ से 40 करोड़, 10 करोड़ बढ़ाना है उन्हें, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को बताया ही नहीं कि 10 करोड़ का बेनिफिट आपको भी मिलेगा। यहां बात को समझना, एम्प्लॉयमेंट की सैलरी तो फिक्स है, बाहर मोहगवारी है, बाहर मंदी है, उनकी सैलरी फिक्स, प्रॉफिट ओनर, लॉस ओनर ये उठाएगा, समझ आ रहा है। एट इस एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब ओनर को लगता है कि अब मैं प्राइस नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अगर वो प्राइस बढ़ा देंगे बहुत ज्यादा तो वो जो डिमांड है ना वो घट जाएगी, ओके, क्योंकि जैसे एक स्टूडेंट थी क्या नाम ट्विंकल, उसने एलपीजी गैस की बात की, वो मोस्ट रिक्वायर्ड चीज है, बाय चांस अभी हाल में कुछ 600 रुपए का एक बाटला आता है अप्रोक्स, 600-500 रुपए का, वैसे किसी को पता है अप्रोक्स, मेरा आइडिया दो किसी को, वो सीधा 1000 हो जाए डायरेक्ट 1000। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉ आया था सब्सिडी का, वो होता क्या है, सब्सिडी कौन सा पता है आप सबको, कितनों को सब्सिडी पता है, ये चीज आती है, वो है सिंपल भाषा में हमारे जेब से पैसा लेके हमारे बैंक में पैसा डाल रहे हो, द सेम कॉन्सेप्ट। गवर्नमेंट का क्या कहना है कि आपसे हम लेंगे ज्यादा पैसे और आपको 600, इमेजिन करो 600 रुपए ले रहे हैं और 200 रुपए रहे सब्सिडी हमारे बैंक में, मतलब जा कितना रहा है एग्जैक्टली 400 रुपए, और गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो 200 रुपए सब्सिडी आ रही है ना वो आप खुद मत लो, गरीबों में दो। तो कुछ लोगों को ऐसा बोला गया कि अगर आप सब्सिडी, आपने बैनर भी देखा होगा, अगर देखा होगा तो, क्योंकि मैंने देखा था, मैंने बताता हूं, बैनर में लिखा है सब्सिडी छोड़ो, मतलब जो 600 रुपए है वो तो दो और 200 रुपए वापस नहीं मिलेंगे आपको अगर आप सब्सिडी नहीं लेते हो तो। इसमें फायदा किसका है, गवर्नमेंट का। उनका कहना है कि अगर इमेजिन करो 100 लोग भी अगर ऐसा स्टेप उठा दे, 2000 से ऊपर का हो गया ना भाई, सिर्फ 100 लोग की बात, यानी आधी भोपाल, अभी 132 करोड़ की आबादी है इस हिंदुस्तान में, अगर वो इस तरह से 200-200 रुपए छोड़ना स्टार्ट करेंगे तो टैक्स कितना जमा होगा उनका,
पहला पॉइंट। दूसरी चीज, हम देखने गए हैं कि उसमें से कितना प्रतिशत गरीबों को मिल रहा है, हमको तो पता नहीं है। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ हाल ही में पीएम केयर फंड जैसी चीजें आई थी, पता है, लॉकडाउन में। मैं आपको बताऊं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक एक्ट है। उस एक्ट के तहत आपको कोई भी बात किसी भी कंपनी से जाननी हो तो आप वो एक्ट के द्वारा फाइल कर सकते हैं कि मुझे इस कंपनी में किस तरह काम होता है, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में किस तरह काम होता है, कोई जानकारी चाहिए हो तो आपको उस एक्ट के तहत सबको मिल सकती है, एज अ स्टूडेंट भी आपको मिल सकती है। लेकिन पीएम केयर फंड में आरटीआई लागू ही नहीं है, क्यों? वो श्री प्रधानमंत्री का है। दूसरी चीज, आपको आइडिया नहीं है कि कितने पैसे उसमें लगे गए हैं, उसमें हैं। अभी हाल में बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे सोनू सूद, उन्होंने है ना केयर फंड ना देके खुद क्या कहते हैं सोलो परफॉर्म किया था, उन्होंने सबको बस प्रोवाइड किया, अपने घर भिजवाया। बड़े बड़े सेलिब्रिटी लाइक अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान ने बहुत बड़े बड़े अमाउंट पीएम केयर फंड में डाले, लेकिन आम जनता को ये बताया नहीं गया है कि उसमें कितने पैसे हैं और कितने पैसे काम में आ गए हैं, तो फिर फायदा क्या देने का। दूसरी चीज, आप में से जिनके पापा जॉब करते हैं, जॉब यानी टर्शरी सेक्टर, ओके, तुरंत ही माइंड में आ जाना चाहिए सब चीजें, टर्शरी सेक्टर जॉब करते हैं, उनकी भी सैलरी डिडक्ट हुई है, हुई है या नहीं? यस और नो? किन्हीं को पता है चीज, लॉकडाउन में सैलरी डिडक्ट हुई है और अब ऐसा हुआ सैलरी कम कम मिल रही है, लेकिन गवर्नमेंट के एक्ट के हिसाब से पर्टिकुलर 5%, 2%, 3% जितना भी हो, 200,000 रुपए जितना भी हो सैलरी के हिसाब से डिडक्ट किया गया है, कहां जाता है वो? पीएम केयर फंड में। पेटीएम से टाई अप किया गया, पेटीएम भी खुद बिलियनर बन गया है कंपनी में हाल में, उससे भी टाई अप करके इन्होंने उसमें से पैसा निकलवाना स्टार्ट किया। मींस व्हाट? गवर्नमेंट पैसा उठा रही है सभी जगह से, सभी लोगों से। आप एक एडवर्टाइजमेंट डाल दो, एक एडवर्टाइजमेंट आप डाल दो दैट आई हैव कैंसर, नॉट आई हैव कैंसर, आई हैव कैंसर, डाल दो एडवर्टाइजमेंट और फेसबुक पे फैला दो और पब्लिक देखो आप कितनी हेल्प करती है। आपको इस चीज के बारे में पता है? एड देखा होगा एक लेडी का, उसने लिखा आई वॉन्ट अ होम, तो आगे शुरू इधर घर है, इधर घर है, इधर घर है। दिस इज पब्लिक हेल्प करने के लिए आगे आ रही है, बट जिनके पास थोड़ा भी है वो भी दे रहे हैं, बट वो गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है, गवर्नमेंट उसका ट्रांजेक्शन बताती नहीं है और हमको फेस करना पड़ता है एट द एंड प्राइस राइज ही। तो मेन पॉइंट ये है कि जितना भी टर्नओवर होता है इंडस्ट्रीज का, कंपनी का, वो सिर्फ अपने अंदर तक रखती है, एम्प्लॉयर्स को नहीं जाने देती, उनको बात पता नहीं चलता, उनको सैलरी उतनी की उतनी मिलती है, प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे होता है। हालांकि इंडस्ट्रीज को लॉस भी उठाना पड़ता है, कंपनी शटर पार देती है, लेकिन कंपनी से बड़ी कौन है? सरकार है, वो तुम्हारा टैक्स उठा लेगी। अगर तुमने 10 करोड़ का घोटाला किया होगा तो टैक्स तो तुम्हें भरना पड़ेगा झक मार के, वो 10 करोड़ का हिसाब तुमको देना पड़ेगा, और जो हिसाब नहीं दोगे वो कौन सा मनी बनेगा? ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी तो भी अंदर, नहीं कैंडल तो भी अंदर, तो इस तरह का ट्रांस होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बेसिक में क्या होगा, डिमांड और सप्लाई के गेम के अंदर हमारा नुकसान है। डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस राइज होगा। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था, अब यहां ध्यान देना। वापस पता चला, many times in spite of decrease in inflation rates in economy, price of basic commodities or services used by common people increases, while the prices in other sectors show stable or decreasing behavior. Reason of price rise. Yaha dhyan dena. Mainly two factors are responsible for price rise. A. Due to lack of instantaneous increase in production and supply of commodities and services in economy. B. Due to sharp increase in total demand of country as compared to supply, continuous price rise is seen. Following reasons are responsible for it. Increase in monetary supply. Reason of price rise. Mainly two factors are responsible for price rise. A. Due to lack of instantaneous increase in production and supply of commodities and services in economy. B.
Due to sharp increase in total demand of country as compared to supply, continuous price rise is seen. Following reasons are responsible. ये हमारे कुछ आठ रीजंस हैं. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड इन फॉर एग्जांपल, ओके, इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई. यही अगर आपको अच्छी तरह से आ गया ना तो आपका आंसर पूरा, ओके. तो थोड़ा इसी पे चर्चा करेंगे, बाकी की तो वार्ता ही कर रहे हैं. इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई, मॉनेटरी मीन्स पैसा, मनी. मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस राइज बढ़ जाती है. हमने अमेरिका और इंडिया के बारे में पढ़ा था. अमेरिका में आवर्स के हिसाब से सैलरी दी जाती है, डेज की सब सैलरी दी जाती है, मतलब वहाँ पैसा ज़्यादा घूम रहा है, लोग घूमने वाले हैं, अपने यहाँ जमा करने वाले हैं, इसलिए पैसा नहीं घूमता है. पॉपुलेशन ग्रोथ, यस, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट. अगर आपके घर में कमाने वाला एक खाने वाला 18 बच्चे हैं आपके, तो 18 को खिलाओगे, उसको केजी स्कूल में डलवाओगे, फीस कैसे भरोगे, 15 में खा जाएंगे. तो प्रॉब्लम इज के हमको इतने सारे घर में नहीं चाहिए, हम दो हमारा एक. इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन. अगर एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट बोले तो गुड मॉर्निंग, एक्सपोर्ट मतलब परफेक्ट, सिट डाउन, गुड. मतलब हम अगर सिंपल एग्जांपल है, हमारे घर में खाना बनता है, हम दूसरों को जाके दे, देखो हमने ये बनाया, देखो हमने ये बनाया, तो हम क्या खाएंगे, ओके. तो सेम प्रॉब्लम इज अगर एक्सपोर्ट बढ़ता गया, हम यहाँ पे इंपोर्ट, यहाँ पे हम बना रहे हैं, लेकिन हम 80-70% चीजें बाहर बेच देते हैं. क्यों? पैसा कमाने के लिए. पैसा कमाने के लिए आप बाहर बेचते हो, लेकिन आप पहले अपने लिए तो बचाओगे ना. अब जो 20% है, 20% है, वो 20% में आपको चलाना भी है कैसे भी करके पूरा महीना. इसको हम नेशनल लेवल पे तो समझ रहे हैं, अपने घर लेवल पे भी समझ रहे हैं, ओके. जैसे जिसका खेत होता है वो बेचता, फार्मर बेच तो देते हैं, लेकिन अपने लिए बचा भी लेते हैं. अगर अपने लिए नहीं बचाएंगे तो उसमें कटौती आ जाएगी. हम समझे, हाई प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये आता है एग्रीकल्चर में. इस रॉ मटेरियल्स, ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे जब मैं समझाऊंगा उसके बाद, ओके. हाई प्राइस इन रॉ मटेरियल, ये क्यों होता है? रॉ मटेरियल प्राइस राइज होने का, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल जो हमको एग्रीकल्चर से मिलता है, ओके. एग्रीकल्चर से हमें कच्चा माल प्राइस राइज, प्राइस बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन क्लाइमेट है. बारिश पड़ गई तो नुकसान अननेसेसरी, बहुत गर्मी हुई तो जल जाएगा. दीज आर द क्लाइमेटिक रीजंस. और इसके अलावा फार्मर्स के पास और क्या इश्यूज होते हैं? सबसे ज्यादा इश्यू यही है. दूसरी चीज सबसे ज्यादा, अगर टेक्निकल इश्यू देखे तो उसने बहुत सारा लोन लेके रखा होगा और उसने नहीं भर कर तो भी काम नहीं होगा. तो आपको ये पता होना चाहिए. लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजन ऑफ प्राइस राइज. ये आठ पॉइंट तनाटन करके लाना है, फिर अंदर गप्पा मारना है. गप्पा अपने को आता है इंग्लिश में, हिमाना फाइगा कुंपल, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ. यूसेज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड करेंसी, दैट इज ब्लैक मनी. हम ब्लैक मनी का यूज मार्केट में करेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएगा. प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट, यस. गवर्नमेंट कब स्ट्रिक्ट होती है? जब इंडस्ट्रीज और जैसे कि हम लोग अगर कंट्रोल में नहीं ला पाते चीजों को तो प्राइस राइज बढ़ाते हैं, ओके. जैसे कि आपने एग्जांपल दिया था प्याज का, वो प्राइस राइज तुरंत नहीं होती, पहले से स्टॉक में कर देना पड़ता है. वो स्टॉक में कर दिया मतलब हमने प्राइस राइज कर दी. उसके बाद गवर्नमेंट को छिल्ली स्टेप लेना पड़ता है कि ये जो अनियन है वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है. अब घर घर जाके स्टॉक नहीं चेक कर सकते हो, तो गवर्नमेंट छिल्ले प्राइस हाई कर देती है. लेकिन गवर्नमेंट ध्यान भी देती है किस किस चीजों पे, सेंसेक्स पे रेगुलर, कि क्या उस चीज का प्राइस घटा जा सकता है. हम यहां से पैसा लेके यहां डाल देते हैं ताकि यहां की चीजों को बेनिफिट हो जाए, ओके. कहां पहुंची है? नेचुरल फैक्टर्स. नेचुरल फैक्टर्स मींस सपोज जैसे ये हुआ कोरोना, ये एक लाइव एग्जांपल है. इससे हमारा इकोनॉमिकल बैकबोन डैमेज हो गया लिटरली, ओके. काफी लोगों का काफी नुकसान हुआ. ये एक सबसे बड़ा रीजन है नेचुरल फैक्टर, ओके. तो जैसे ये वायरस फैला उससे प्रॉब्लम हो गई. इससे क्या वो पूरा जो सर्कल था, ये पूरा सर्कल वो तो रुक ही गया. ब्लैक मनी मॉनेटरी सप्लाई रुक गई, ग्रोथ रुक, ग्रोथ तो पता नहीं. इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, ये भी रुक गया. रॉ मटेरियल, ये भी रुक गया. सब रुक गया, क्योंकि एक बार अगर गाड़ी रुकेगी तो सब रुक जाएगा, ओके. और हम कुछ और एग्जाम्पल देखे, जैसे कि फ्लड. फ्लड पर्टिकुलर कोई रेंज में, रीजन में ज्यादा आ जाती है. जैसे रिसेंटली बंगाल में आया था लॉकडाउन के टाइम, बंगाल में था, आसाम में, सॉरी आसाम में, यस आसाम में भी था और
फॉरगेट बिहार बिहार में तो मुझे एक्सेप्ट कोई बात नहीं, आसाम बिहार जो भी नेचुरल फैक्टर्स आपको जो भी रिसेंट याद हो, कोरोना वायरस सबको याद है, चिपका दे। फिर आता है स्मगलिंग, होल्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, जो हमने देखा था स्मगलिंग करना, इससे भी काफी चीजों का नुकसान होता है। ये कुछ पॉइंट्स थे, लिखेंगे सबके सब। पता चल रहा है क्लास को? So we have to write our notebook, क्योंकि हम उसे लर्न करने वाले हैं बाद में। ऐसे लिखना IMP notes for SS and reason of price rise। Yes, one important thing, fifth number point में आप देखेंगे bracket के अंदर black money, a question might be asked in exam in one marks कि what is black money? अगर exactly बोलो एक line में समझाओ black money, any amount, ध्यान से सुनिएगा, any amount which is not written on a page is a black money, या money which is not written on a page, आपने 10 रुपए की pen खरीदी पर आपने वो कहीं नहीं लिखा या उन्होंने कहीं नहीं लिखा तो वो क्या बन गया? ब्लैक मनी। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज का होता है लिखित में ही, बट द टेक्निकल लैंग्वेज इज हियर, क्योंकि हमें हम बात कर रहे हैं सीधा इंडस्ट्रीज लेवल पे बात हो रही है, सीधे इकोनॉमिक्स लेवल पे बात हो रही है, तो उस पॉइंट पे उन जो भी जितना भी माल या प्रोडक्शन होता है उनका सप्लाई, तो उनको सब कुछ रिटर्न में चाहिए होता है। अब गवर्नमेंट ने इसे स्ट्रिक कर दिया है, अब GST बिल आता है, मीन्स वॉट गवर्नमेंट की जितने भी आंखें हैं सबकी नजर कंज्यूमर पे और एवं दुकानदार पे रहती है, लेकिन जो GST बिल नहीं देता, समझ जाना वो आपको ब्लैक में दे रहा है वो चीज, क्योंकि वो उस चीज का रिकॉर्ड नहीं रख रहा है। ओके, गवर्नमेंट ने कहा खुद का कोई रिकॉर्ड नहीं करना है, एक ही रिकॉर्ड है GST बिल। ओके, और वो टैक्स अगर आप बिल पे करते हैं मतलब आपने एक साइड से काम किया है, वो आप नहीं लिखते तो ब्लैक नहीं है। पता चला रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। Increase in monetary supply. Supply of money in economy increases in three ways. By filling deficit replacement, that is, by generating new money. Increase in circulation of money, that is, increase in transaction of money in market. To decrease rate of interest on debt. When there is increase in money, income of people, purchasing power,
effective demand of commodities and services increases, but total supply does not increase according to it. So price rise is there. In order to fulfill planned and unplanned expenditures, government increases supply of money by generating new money through deficit replacement policy. Increase in administrative expenses of government, unplanned expenditure, defense expenditure, or increase in expenditure of different welfare schemes and fairs, expenditure on celebrations, public or private expenditure, leads to sudden increase in supply of money in market, which increase purchasing power, resulting in increase of price level. क्या क्या चीजों हमने देखा, अननेसेसरी इंक्रीमेंट कहते हैं, अननेसेसरी इंक्रीमेंट। ये रिसेंटली जिनपिंग आए थे अहमदाबाद में, आपको पता है साल कुछ साल पहले आए थे, जब मैं झगड़ा रही हूँ हाँ इतना कुछ इतना पहले आए थे जहाँ तक मुझे याद है, अहमदाबाद में आए, रिवर फ्रंट पे आए, और कितनी भीड़, और खाना जो उनके लिए बनाया गया ना खाएगा भी नहीं कुछ भी, मोमोज के अलावा कुछ पता नहीं चलता उसको। देन ऑल्सो 100 से 500 लोग खा सके उतना खाना उसके लिए बनाया गया, एंट्रेंस लेवल बी ऑन्ड कि भाई विदेश से आए हमारे मेहमान आए हैं, ओके। दूसरी चीज, इतना जो खर्चा आता है वो कहाँ से आता है, हमारे टैक्स में से। तो आपको प्राइस, ये जो पॉइंट है कि इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई, ये कैसे बढ़ जाएगा, इंक्रीज ऑफ प्राइस लेवल, क्योंकि हम जितना टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को उनके मन के हिसाब से खर्चा उड़ाया जा रहा है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, ये अभी रिसेंटली अपने डोनाल्ड ट्रंप आए थे, मोटेरा स्टेडियम में आए थे, उसके बैकग्राउंड में जितना भी रूरल एरिया है सबको कवर किया गया था वॉल से, रातों रात वॉल खड़ी कर दी गई, ओके। और स्ट्रीट्स को इतना चकाचक कर दिया, लाइटिंग वाइटिंग लगा दिया, यू हैव नो आइडिया, करोड़ों का सीधा खर्चा कर दिया 5-6 दिन में, उतना किसी को खिलाते गरीब आदमी को तो ये दशा नहीं होती। लेकिन गवर्नमेंट टैक्स का ये फायदा उठाती है, ऐसा नहीं है कि वो साल में हर रोज खर्चा करती है, लेकिन एक दिन हर रोज के बराबर खर्चा कर देती है, ओके। तो ये कारण से प्राइस लेवल बढ़ जाता है। तो पहला पॉइंट आपको बोला जाए, इंक्रीज मॉनेटरी सप्लाई,